मैं उमानाथ सिंह, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को देख सकें। दोस्तों चलिए आज मैं आपको अब तक जितने भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, उसकी पूरी जानकारी दूँगा, उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस पार्टी से थे, कब से कब तक उनका कार्यकाल था, कौन उसको नियुक्त किया था, सब कुछ जानकारियाँ इसमें मैं दूंगा। हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख सके, जान सके जानकारियाँ। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले है आपके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सामने फिगर उनका दिख रहा है। इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई थी। ये मरते दम तक प्रधानमंत्री थे। और ये किस पार्टी से थे, पार्टी है इधर देखिए सब बता दे रहे हैं। नेम है, नेम पहले यार नंबर, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स फोटो हो गया, नेम है, बर्थ एंड डेथ, फिर उसके बाद है इसका पार्टी एलियंस, इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, और टर्म ऑफ ऑफिस मैंने ऑफिस में कितने समय तक के रहे हैं। इसके बाद है आपका अपॉइंटेड बाय, इनकी नियुक्ति कौन किया है। इसके बाद है लोकसभा, किस लोकसभा से थे और इसमें किस स्थान पर थे, वो सभी जानकारियाँ इसमें है, चौथे नंबर पे थे, ये सब इसमें देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जन्म हो गया 1889 में, मृत्यु 1964 में, और ये पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक कांग्रेस नेता थे दोस्तों। और इलेक्टेड कौन किया था इनको, कहाँ पर हुए थे, ये फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। टर्म ऑफ ऑफिस में इनका था 15 अगस्त 1947, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तभी इनकी नियुक्ति हो गई थी, और ये 15 अप्रैल 1952 तक थे। और इसके बाद 15 अप्रैल 1952 से फिर 17 अप्रैल 1957 तक थे, फिर उनकी नियुक्ति जो है 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 तक थे, फिर 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक ये थे। और इनका पूरा कार्यकाल जो है 16 साल 286 दिन तक था, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हमारे लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और अपॉइंटेड बाय, इनका पहले नियुक्ति कौन किया था, ये अंग्रेज है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। और ये लोकसभा क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये फर्स्ट बार चुने गए थे दोस्तों। और सेकेंड बार उनकी नियुक्ति कौन किया था, राजेंद्र प्रसाद जी किए थे, सेकेंड टाइम्स भी हुए थे। अब आइए अगला प्रधानमंत्री देखते हैं कौन है। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे तीसरे नंबर पर गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग, इनका जन्म जो है दोस्तों 1898 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1998 में हो गई, ये 100 साल पूरे जिए थे। और ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और इनकी जो है और कहाँ से नियुक्ति हुई थी इनके, सबार था गुजरात से नियुक्ति हुई थी इनकी दोस्तों। और यह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक थे। उसके बाद ये कितने दिन तक थे दोस्तों, ये 13 दिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और ये किस प्लेस पर थे, इनका स्थान था ये थर्ड प्लेस पर थे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं इनका बारे में। फिर तो दोस्तों फिर आपका आगे आता है, आप देखते हैं कौन है फिर नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1966 में हुई थी। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कांग्रेसी नेता थे भी। और इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई थी, कहाँ से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हुई थी इनकी नियुक्ति। और इनका 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक थे, इनका कार्यकाल था 1 साल 216 दिन। और ये आपके थर्ड प्राइम मिनिस्टर हुए थे दोस्तों। वही नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग, और इनका जन्म जो था 1898 में हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों।
ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, कांग्रेसी नेता थे वे। और ये भी सवालकांथा गुजरात से चुने गए थे। और इनका 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक थे ये भी। और ये भी 13 दिन तक प्रधानमंत्री थे। इनकी नियुक्ति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ये थर्ड वाले प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है आपके इंदिरा गांधी। इनका जन्म जो है दोस्तों 1917 में हुआ था, 84 में थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं की डॉटर थी, बेटी थी। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेता थी। और ये जो है राज्यसभा MP फॉर उत्तर प्रदेश से इनकी नियुक्ति हुई थी। और दूसरी बार ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से हुई थी इनकी। और पहली बार जो है 24 जनवरी 1966 से लेकर के 4 मार्च 1967 तक ये रही हैं। अब फिर इनका हाँ फिर इसके बाद दोस्तों ये है 4 मार्च 1967 से लेकर 15 मार्च 1971 तक रही हैं। फिर 15 मार्च 1971 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रही हैं। इनका पूरा कार्यकाल 11 साल 69 दिन रहा है दोस्तों। और ये फोर्थ और फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और इनको कौन नियुक्त किया था, वी गिरी जी नियुक्त किए थे। और ये नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। इनका जन्म 1896 में ईस्वी में हुआ था और ये 1995 में एक्सपायर हो गए थे। और ये जनता पार्टी के नेता थे दोस्तों। और ये इनका नियुक्ति जो सूरत गुजरात से हुई थी। और इनका कार्यकाल जो था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे हैं ये। और कुल टोटल इनका कार्यकाल जो था 2 ईयर्स 126 डे था, 2 साल 126 दिन। और इनकी नियुक्ति जो है VT जाटी ने किया था। ये आपके 6th प्राइम मिनिस्टर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का दोस्तों 1902 में जन्म हुआ था, ये 1987 में एक्सपायर हो गए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी सेकुलर के ये नेता थे, INC से। और इनकी नियुक्ति जो है बागपत उत्तर प्रदेश से हुई थी। और ये जो है कार्यकाल इनका देखते हैं 18 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक के रहे थे। और टोटल समय इनका कार्यकाल था 170 दिन का। इनकी नियुक्ति जो किए थे नीलम संजीवा रेड्डी जी किए थे। और ये आपके 7th प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इनका जन्म जो है 1917 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1984 में हो गई थी दोस्तों। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेता थी। ये कारण जो चुनाव हुआ था कहाँ से निकली थी, मेडाक आंध्र प्रदेश से हुई थी। और ये 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और इनका कार्यकाल टोटल था 4 ईयर्स 291 दिन। और इनकी नियुक्ति जो है नीलम संजीवा रेड्डी की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है राजीव गांधी जी। इनका जन्म जो है 1944 में हुआ था और मृत्यु जो है 1991 में हो गई थी इनकी। और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे दोस्तों। और इनकी नियुक्ति जो है अमेठी उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 31 दिसंबर 1984 तक। फिर दोबारा जो था 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था दोस्तों। और इनका टोटल कार्यकाल था 5 ईयर 32 डेज। इनकी नियुक्ति जो थे चहल सिंह ने किया था। ये आपके 8th प्राइम मिनिस्टर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विश्वनाथ प्रताप सिंह
इनका जन्म जो है 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 2008 में हो गई थी। और ये जो है जनता दल के नेशनल टीम के नेता थे जनता दल के, और इनका नियुक्ति जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से हुई थी। इनका कार्यकाल जो था 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। इनका टोटल कार्यकाल का समय था 343 दिन तक थे ये दोस्तों। इनकी जो नियुक्ति है आर वेन पेटरमन ने किया था दोस्तों, ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर। तो इनका चंद्रशेखर जी का जन्म जो था 8वें पर 1927 में हुआ था, 2007 में एक्सपायर हुए थे दोस्तों। और इन इस समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे और ये बलिया उत्तर प्रदेश से इनकी नियुक्ति हुई थी। और ये इनका कार्यकाल था 10 दिसंबर 1990 से 21 जून 1991 तक दोस्तों। और टोटल इनका टाइम जो था ऑफिस का 223 दिन तक थे। और ये नेक्स्ट देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका जन्म जो है 1921 में हुआ था, 2004 तक में एक्सपायर हो गए थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे दोस्तों। और इनका नियुक्ति जो है नंदेल आंध्र प्रदेश में हुए थे। और ये 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक थे। और ये इनका कार्यकाल टोटल 4 साल 330 दिन था दोस्तों। और ये 10th प्राइम मिनिस्टर हुए थे हमारे भारत के। और ये नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे, बहुत ही अच्छे नेता ये भी थे। इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु जो है 2018 में हो गई। अभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता थे दोस्तों। इनकी नियुक्ति जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुई थी। और ये जो है आपके 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक थे दोस्तों। टोटल कार्यकाल इनका 16 दिन का था। फिर इनकी जो नेक्स्ट है आके देखते हैं कौन है फिर। इसके बाद दोस्तों फिर एच.डी. देवगौड़ा जी हुए थे, ये 1933 में इनका जन्म हुआ था, अभी ये जिंदा है। और ये जनता दल के नेता थे। और ये जो राज्यसभा एमपी फॉर कर्नाटका से चुने गए थे। इनका कार्यकाल जो था 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक था। और ये टोटल इनका कार्यकाल 324 दिनों का था। और इनकी नियुक्ति जो है शंकर दयाल शर्मा ने की थी। और ये 11वें प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म जो 1919 में हुआ था, मृत्यु 2012 में हुई थी। ये जनता दल के नेता थे दोस्तों। और ये राज्यसभा एमपी फॉर बिहार से चुने गए थे। और इनका 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक थे। और टोटल कार्यकाल इनका जो था 332 दिनों का था दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी वापस फिर आ गए। इनका जन्म वही बता चुके हैं, 1924 से 2018 में हुए थे पैदा है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता थे, एनडीए से इस बार चुने गए थे दोस्तों। और इनकी नियुक्ति जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुई थी। फिर इनका कार्यकाल जो था 19 मार्च 1998 से लेकर के 10 अक्टूबर 1999 तक। फिर दोबारा जो है 10 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक रहे हैं। और पहली बार ये 6 साल तक थे, फिर उसके बाद दूसरी बार 64 दिनों तक थे। इनकी जो नियुक्ति है इस बार के आर नारायणन ने किया था दोस्तों। ये 12वें और 13वें प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, 2 बार लगातार। फिर दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं मनमोहन सिंह।
डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म 1932 में हुआ था। ये अभी जिंदा है, चल रहे हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी थे अभी। ये राज्यसभा MP फॉर आसाम से चुने गए थे, और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक थे। फिर दोबारा जो है 22 मई 2009 से लेकर के 26 मई 2014 तक थे दोस्तों। तो पहली बार ये 10 साल तक रहे हैं, दूसरी बार जो है 4 साल तक रहे हैं। तो पहली बार ये जो है APJ अब्दुल कलाम ने इनकी नियुक्ति की थी, दूसरी बार जो है प्रतिभा सिंह पाटिल जो है उसने किया था। और ये आपके पहली बार में थे तो ये 14वें प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद 15वें प्रधानमंत्री भी वहीं थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, 16वें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जन्म 1950 में गुजरात में हुआ था दोस्तों। और ये भी जिंदा अभी चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में है भी। और ये भारतीय जनता पार्टी BJP के नेता थे, NDA से थे ये। और इन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से इनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों। और इनका जो कार्यकाल है पहली बार 26 मई 2014 से लेकर के 30 मई 2019 तक थे दोस्तों। फिर 30 मई 2019 से लेकर के इंक्यूमेंट अभी तक ये चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में यही है चल रहे हैं। और इनका पहली बार कार्यकाल जो था 5 ईयर्स तक था, और अभी 73 दिन तक भेज चुके हैं, आगे भी चलेंगे ये। और इनका पहली बार जो है नियुक्ति प्रणब मुखर्जी जी किए थे, वहीं इस समय प्रेसिडेंट थे। और दूसरी बार रामनाथ कोविंद जी ने किया था। और ये आपके पहली बार नियुक्ति इनकी हुई थी 16वें थे, और इस बार जो दोबारा नियुक्ति हुई है तो ये 17वें प्राइम मिनिस्टर है। तो याद रखना दोस्तों, 17वां प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है, दामोदर नरेंद्र दास मोदी जी हैं। और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान करे आगे करते रहें, काफ़ी समय तक बने रहें प्रधानमंत्री। गॉड ब्लेस हिम, मे ही लिव लॉन्ग, एंड आई होप दैट ही परफॉर्म हिज ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। आई होप दैट ही डू नॉट डू एनी वर्क विच इज बैड फॉर आवर कंट्री। ओके, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए थोड़ा इसके बारे में और हम देख लेते हैं इनकी जानकारियाँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उसको एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तभी वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड हैव ए नाइस डे।